हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। ये मैं आज कैलेंचो फेडेस चेकोइक के बारे में बात करेंगे। इसमें देखिए फ्लावर बर्ड्स भी आ रही हैं और ये कैलेंचो फैमिली क्रेसुलेसिस फैमिली से ही होता है। इसकी मिट्टी देखिए कितनी सैंडी है, सैंडी सोयल है और इस बार इसमें फ्लावरिंग बर्ड्स भी काफ़ी आ रही हैं। बहुत अच्छे से लगते हैं, ऑरेंज कलर के फूल आते हैं। मेरे यहाँ तो फर्स्ट टाइम आए हैं और मैंने यूट्यूब वगैरह पर देखे हैं, तो इसमें फूल अच्छे से आते हैं। तो मुझे 5 साल में फर्स्ट टाइम मेरे यहाँ फ्लावर्स आ रहे हैं। इस साल मैंने इसे डिस्टर्ब नहीं किया, जिसमें लगा हुआ था उसी में लगा है। पूरा साल हो गया इसी पॉट में लगा है, तो अब इस बार इसमें फ्लावर्स आ रहे हैं। मैं तो सोच रही थी शायद मैं इसमें फूल भी नहीं आती होंगी, पर इस बार फूल आ रहे हैं। और इसमें देखिए ये रूट, इसका सीजन होता है तो इसमें एयर रूट बहुत निकलती है। देखिए कितनी ढेर सारी एयर रूट निकल रही है, बिल्कुल पिंक पिंक सी हो रही है। और ये देखिए इधर भी निकल रही है और यहाँ शेड में ही लगा हुआ है, बिल्कुल धूप यहाँ पर नहीं आती है और कोहरा भी कम पड़ता है क्योंकि वॉल से लगा हुआ है और इससे इजीली कटिंग से लग जाता है। बहुत इजीली, जैसे बाकी क्रोसिला लग जाते हैं पत्ती से और कटिंग से लग जाते हैं, ऐसे ये भी लग जाता है। और ये देखिए हर नोड एरिया से इसमें लीफ निकल रही है, ब्रांच निकल रही है। तो देखिए जितने भी नोड एरिया है सभी में इस तरह से निकल रही हैं। तो ये क्रेसुलेसी फैमिली से ही होता है, क्रेसुलाई की ही वैरायटी है। क्रेसुलेसी में बहुत ज़्यादा स्पीसीज होती हैं, बहुत ज़्यादा वैरायटी होती हैं। देखिए कितने सुंदर इसकी एक तो कट जो पार्ट होते हैं बहुत प्यारे लगते हैं, मगर इसके कट एरिया से पत्तियाँ नहीं निकलती हैं, इनके नोड एरिया से न्यू प्लांट निकलते हैं। जैसे कुछ क्रेसुला होते हैं पत्तियों से निकलते हैं, ये ब्रायो फिल्म होता है उससे निकलते हैं। और ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है, खूबसूरत लग रहा है, इतनी ब्यूटी है। अब मैं इसे हटा दे रही हूँ क्योंकि आज हमारे यहाँ बहुत बादल है और मैं बाहर जा रही हूँ तो बारिश हो जाएगी, तो कोई हटाएगा नहीं। लास्ट टाइम भी यही हुआ था, लास्ट मंडे मैं चली गई थी तो रात को बारिश हो गई थी, मैं लेट नाइट आई थी तो मैं इन्हें हटा नहीं पाई थी, तो मैं सारे ही प्लांट हटा दे रही हूँ। देखिए इस तरह की छाया है, यहाँ पर बालकनी है, अच्छी खासी छत है, तो छत के नीचे मैंने यहाँ सारे शिफ्ट कर दिए हैं, जिससे कि मैं अगर ना भी आ पाऊँ और बारिश बाई चांस हो जाए तो मेरे प्लांट को कोई नुकसान ना हो। तो इसमें इस बार इसमें काफ़ी बर्ड्स भी आई हुई हैं, बहुत अच्छा लग रहा है देखिए कि इतनी ढेर सारी बर्ड्स आई हुई हैं। और ये सिंपल सैंडी सॉयल है, इसमें मैंने कुछ भी नहीं मिलाया है क्योंकि इसकी ना तो रिपोर्टिंग हुई है कि एक साल हो गया पूरा, मैंने डिस्टर्ब भी नहीं किया है इसे बिल्कुल भी, जैसा था वैसा ही लगा हुआ है। बहुत कम केयर से ये चल जाते हैं विदाउट केयर। इसमें फर्टिलाइज़र सिर्फ मैंने डाल दिया है, लिक्विड फर्टिलाइज़र ही डालती हूँ। सब्जियों वगैरह का मिक्स बना के रखा हुआ है, वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं, उनके जो छिलके होते हैं उनका मैंने बकेट में भर के रख रखा है, पानी भर के वही डाल देती हूँ। अदरवाइज़ ना तो इसे रिपोर्ट किया है ना इसमें मैंने कोई और एक्स्ट्रा केयर की है, बस जो लिक्विड फर्टिलाइज़र डालना होता है वही डाल देती हूँ। धूप में भी नहीं रखा है, कुछ छाया वाले एरिया में रखा है, तो इस तरह से कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा केयर की ज़रूरत नहीं है। बस ओवर वाटरिंग से बचाना है, मिट्टी है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए ड्रेनेज सिस्टम वाली, क्योंकि ये सकलेंट फैमिली से भी आते हैं, सकलेंट टाइप के भी होते हैं, तो इनका अपना जेल होता है इनकी पत्तियों पे। आप इसे तोड़ के इनकी पत्तियाँ देखेंगे तो अगर मैं इसे पुश करेंगे दबाएंगे तो इसमें से हल्का सा जेल टाइप का निकलेगा। तो इसमें अपना पानी होता है तो पानी एक्स्ट्रा की ज़रूरत नहीं होती है। मिट्टी जब भी बनाए इसकी तो बहुत अच्छी मिट्टी बनाए, जब मैंने इसकी मिट्टी बनाई थी लास्ट ईयर मई जून में सभी प्लांट के लिए मैंने तैयार किया था मिट्टी, तो वही अभी इसमें चल रही है इस वाले में। बाकी सबकी तो चेंज हो गई मगर इसकी वैसी की वैसी ही है। तो इसमें मैंने रेत मिलाई थी, ईंट का चूरा मिलाया था और पलाइट वगैरह नहीं मिलाया था, वो वैसे ही रहने दी थी, उसमें कुछ नहीं डाला था, तो इसे मैंने रिपोर्ट नहीं किया था। बाकी सब मैंने रिपोर्ट कर दिए थे, इसे वैसे ही के वैसे ही रहने दिया। तो अभी अच्छे से चल रहा है, मैं यहाँ पे शेडी एरिया में रख दे रही हूँ, यहाँ पे ऊपर छत है जैसे कि इस पर बारिश का पानी ना पड़े, हवा से आज चलेगी, बारिश पड़ेगी तो थोड़ा बहुत पानी आ जाएगा, अदरवाइज ज़्यादा एक्स्ट्रा पानी नहीं आएगा। और अगर आपकी सैंडी सोयल है तो इजीली इसमें से पानी बह भी जाएगा, रुकेगा नहीं बिल्कुल पानी। तो अपने प्लांट की इस तरह से केयर करें कि इसमें पानी ना रुके। लिक्विड फर्टिलाइज़र देना हो तो दे दीजिए, क्योंकि इसमें ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं होती है फर्टिलाइज़र की, बस सैंडी सोयल रखिए, बिल्कुल रेतीली मिट्टी रखिएगा, रेत की क्वांटिटी ज़्यादा रखिए। जैसे 2 हिस्सा रेत रखिएगा, 1 हिस्सा अपने गार्डन सोयल रखिएगा और 1 हिस्सा अपने गार्डन की जो अपनी किचन वेस्ट से बनी हुई जो खाद होती है वो दे दीजिएगा, वर्मी कंपोस्ट है या गोबर की खाद मिक्स कर दीजिएगा। गोबर की खाद बिल्कुल सड़ी हुई होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि आप कच्ची खाद डाल दें तो ये प्लांट सड़ जाएंगे। और फंजीसाइड का स्प्रे जरूर कीजिए, फंगल इन्फेक्शन जरूर हो जाता है। बारिश के दिनों में बरसातों में इसे बचा के रखिएगा, बिल्कुल ऐसी जगह रखिए जहाँ इस पर पानी ना पड़े। तो एक्सेस वाटर की इसमें ज़रूरत नहीं होती है, फंगल इन्फेक्शन से ये प्लांट ज़्यादातर मर जाता है।
सूखे को तो ये टॉलरेट कर लेते हैं मगर बारिश को ये नहीं रोक पाते हैं, बर्दाश्त नहीं करते हैं। तो बारिश से बचा के रखिए, एक्स्ट्रा पानी मत डालिएगा, फंजीसाइड का वीक में स्प्रे कीजिएगा। पेस्ट अटैक होता नहीं है, कभी बाईचांस अगर आपको लगे तो इसमें नीम ऑयल का स्प्रे कर दीजिएगा। बहुत खूबसूरत प्लांट है, छोटे से छोटे प्लांटर में चल जाता है और ईजिली कटिंग से लगाया जाता है। प्रोपोगेशन बहुत ईजिली हो जाती है, पत्ती से कटिंग से आप लगा सकते हैं। तो इस तरह से अपने गार्डन में से जरूर जगह दें, वो खूबसूरत प्लांट है, सुंदर प्लांट है, तो आप ज़रूर लगाइएगा अपने गार्डन में। और विदाउट केयर ये चलता है, अगर आप बिल्कुल नए हैं गार्डनिंग में तो आप इसे लगाएंगे तो कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। जैसे और सकलेंट होते हैं बहुत जल्दी मरते हैं, पर ये नहीं मरता है, थोड़ा सा ड्राई अप हो जाएगा गर्मियों में और बारिश के दोनों में थोड़ी सी पत्तियाँ ख़राब होने लगती हैं, पर पानी एक्स्ट्रा नहीं डालेंगे तो ये आराम से चल जाएगा। तो फ्रेंड्स, नई जानकारी के साथ नई वीडियो के साथ फिर मिलेंगे, तब तक मेरे वीडियो देखते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाय फ्रेंड्स।